प्यारे बच्चों, आपका रसायन विज्ञान की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। और ये लेक्चर जो तीसरा लेक्चर है, और ये हम डिस्कस कर रहे हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो जो लेक्चर फर्स्ट था, लेक्चर फर्स्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि जो इसका परिचय हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या महत्व है रसायन विज्ञान का, इस पर चर्चा की गई थी। उसके बाद द्रव्य क्या है, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, और द्रव्य का जो वर्गीकरण है ये किया गया था। इसके बाद हम बताए थे कि जो द्रव्य है, द्रव्य को दो भागों में बांटते हैं, जैसे मिश्रण है, शुद्ध पदार्थ है, फिर तत्व, तत्वों के बारे में चर्चा की गई थी। और ये परमाणु एवं अणु, तो अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो डिस्कस कर रहे हैं, ये जो एसआई यूनिट, जो अंतर्राष्ट्रीय जो मात्रक है, एसआई यूनिट, इसको एमकेएस सिस्टम भी कहते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मात्रक हैं, तो आपको मालूम है जैसे ये लंबाई का क्या होता है, मीटर। उसी तरह से ये जो वजन है, जो मास है, द्रव्यमान का केजी, किलोग्राम। जो समय है, समय का ये सेकेंड होता है। जो विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता, कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा, मोल। इसके बाद ये ताप है, ताप का केल्विन। इसके बाद कुछ व्युत्पन्न मात्रक हैं, जैसे घनत्व है, द्रव्यमान है। तो ये जो टॉपिक है, चूंकि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री इसको कहते हैं, भौतिक रसायन। और ये जो एसआई यूनिट्स हैं, ये ऑलरेडी अब फिजिक्स, ये भौतिक विज्ञान जो आपका है, भौतिक विज्ञान, इसका जो पहला चैप्टर है, उसमें आप काफी विस्तृत रूप से पढ़ रहे होंगे फिजिक्स के क्लास में। चूंकि केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा दिया है, इसलिए हम इसको बता दिए। अब इसके जो मल्टीपल हैं, अब जैसे मान लीजिए आपको लंबाई अगर मीजर करना है तो मीटर में मीजर करते हैं, लेकिन अगर रोड पे आप चलते हैं तो किलोमीटर में भी मीजर करते हैं। तो ये जो जिसको पैमाना भी कहते हैं, इसको भी समझना है, क्योंकि ये बार बार आएगा, जैसे माइक्रोमीटर, मेगामीटर, टेरामीटर, पीकोमीटर। तो इस मल्टीपल को अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए ये काफी आसान हो जाएगा।
तो आपको ये याद करना है, योक्टो जेप्टो एटो फेम्टो, योक्टो जेप्टो एटो फेम्टो, पीको नैनो माइक्रो, योक्टो जेप्टो एटो फेम्टो पीको नैनो माइक्रो, मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो, या इसको यहां लिख लीजिए डेसी के बाद ये डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पीटा टेरा पीटा और एक्सा, ये एप्टा है फिर एक्सा, और जीटा। तो ये आपको याद रखने का तरीका हम बता रहे हैं। जैसे 10^-24 है तो इसमें 3 घटाते 3 इसमें जोड़ेंगे तो 10^-21 हो जाएगा, 10^-18, 10^-15, 10^-12, 10^-9, 10^-6, 10^-3, यहां से फिर 10^-2 और 10^-1 होगा। तो ये ऑक्टो जेप्टो एटो फेम्टो, यहां तक ये 3 जो है कम हो रहा है यहां तक, तो ये तो 1 से कम हो गया, और ये आपका ये 10 से ज्यादा है, तो ये 10^2, 10^3। अब यहां से फिर ये 3 से 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा, और 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा, 24 होगा। तो ये अगर याद रहेगा, जैसे 1 डे का मीटर आप कर दिए तो ये 10 मीटर हो जाएगा, ये यहां मीटर कर दिए तो यहां भी मीटर हो जाएगा, अगर आप यहां पे लीटर कर दिए तो लीटर हो जाएगा, अगर ऐसे ही सेकंड कर दिए तो सेकंड हो जाएगा। तो ये मल्टीपल आपको समझना जरूरी है, तो ये याद रखना है। इसके बाद ये सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट नंबर। तो जो सार्थक अंक है, सिग्निफिकेंट नंबर है, ये सिग्निफिकेंट नंबर ऑलरेडी आप भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे। तो सार्थक और निरर्थक, निरर्थक का मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है, सार्थक का मतलब यह है कि जो सार्थक है, मतलब जिसकी कोई वैल्यू है।
अब देखिए जैसे सार्थक अंक जो सिग्निफिकेंट नंबर का जो कंसेप्ट है ये है कि जैसे ये 0.25 है तो गैर शून्य अगर 25 मतलब जो जीरो ना हो जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है ये जो संख्याएं हैं अगर इनके पहले जीरो लगेगा तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। अब इसमें सार्थक अंक 2 होगा लेकिन यही जीरो अगर इसके बीच में लग जाए 2.05 तब ये जीरो काउंट होगा तब सार्थक अंक 3 हो जाएगा। और जैसे 0.03 है तो इसमें सार्थक अंक 1 हो जाएगा। और उसी तरह से जैसे 100 है तो 100 में 2 सार्थक अंक है लेकिन अगर ऐसे लिख देंगे तो इसमें 1 सार्थक अंक होगा लेकिन 1.0 अगर कर देंगे तो इसमें 2 हो जाएगा 1.00 कर देंगे तो इसमें 3 सार्थक अंक हो जाएगा। तो इस तरह से है और सार्थक अंक और आप विस्तृत रूप में जो भौतिक विज्ञान में अभी आप पढ़ रहे हैं इसके बाद जो साइंटिफिक नोटेशन की बात आती है जो वैज्ञानिक जो नोटेशन है मान लीजिए ये है 326.25। अब इसका जो साइंटिफिक नोटेशन करना है तो पॉइंट के पहले सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए तो इस पॉइंट को उठा करके हमको यहाँ लाना है। तो अब जैसे बाएं जब जाएगा ये पॉइंट तो 3.2625×10^2 लिख देंगे प्लस में लेकिन अगर आप ये इस तरह से हो 0.002625 अगर इसका लिखना होगा तो इस पॉइंट को 1, 2, 3 आप यहां ले आएंगे फिर 2.625×10^2 अगर दाहिने ये जाता है डेसिमल अगर दशमलव दाहिने के साइड में जाता है तो 10^3 ये 3 स्थान 3 स्थान गया है 1, 2, 3 तो 3 स्थान गया है तो 10^-3 लिख देंगे। तो बाएं जब जाएगा बाएं दशमलव जब जाएगा तो ये जो घात लिखेंगे धन की धन में लिखेंगे और जब दाएं जाएगा दाएं दशमलव खिसकेगा तो जो घात है वो माइनस में लिखेंगे। तो ये आपको याद रखना है और ये भौतिक विज्ञान फिजिक्स में और आप डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है द्रव्य की अविनाशता का नियम तो इस नियम में यह है कि कोई भी पदार्थ है कोई भी सब्सटेंस है तो इसका नाश नहीं होता है ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। तो किसी पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। मैटर कैन नॉट डिस्ट्रॉय एंड कैन नॉट क्रिएटेड
इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन फॉर्म टू एनदर फॉर्म। उसी तरह से स्थिर अनुपात का नियम है, स्थिर अनुपात के नियम में यह है कि कोई भी अगर दो या दो से अधिक तत्व है तो जब वो आपस में संश्लेषित होता है, आपस में संयोग करता है, तो वो उनका अनुपात सदैव स्थिर रहता है। किन्हीं दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक आपस में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं, और उनका अनुपात सदैव स्थिर रहता है। अब जैसे ये आपका जल है H2O, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 2 है और ऑक्सीजन का 16 है। हाइड्रोजन का जो एक होता है लेकिन दो है, तो 2 is to be 16, दो संबंधे 16 और एक संबंधे 8 का ये अनुपात है। अब ये मान लीजिए प्राकृतिक जल है, प्राकृतिक ये आपको जो नदियों में तालाबों में जो जल मिलता है, लेकिन अगर हम ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से अगर जो जल बनाते हैं तो उसमें भी यही अनुपात रहता है। ये कृत्रिम रूप से अगर आप बनाएंगे और जो प्राकृतिक है इनका अनुपात सदैव स्थिर रहता है। उसके बाद इसी क्रम में है गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात के नियम में यह है कि जब दो तत्व संयोग करके, जैसे गुणित अनुपात का नियम, तो गुणित अनुपात का नियम यह है कि जब दो तत्व संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उनका जो अनुपात होता है वो मल्टीपल होता है। जैसे मान लीजिए कार्बन है और ऑक्सीजन है, अब ये आपस में जैसे संयोग किया तो एक बार बना CO और एक बार बना CO2। अब इनका अनुपात क्या है, तो कार्बन का 12 और 16, ये 3 is to be, मतलब तीन संबंधी 4 हो जाएगा, ये 12 और 32, तो ये आपका हो जाएगा 3 संबंधे 8। तो अब देखिए ये 4 और 8 आपस में क्या है, ये गुणित है, 4 × 8 मल्टीपल, तो ये गुणित अनुपात का नियम है। तो ये तीनों जो है आप जो द्रव्य की अविनाशता का नियम, स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम ये कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हैं।
तो अभी तक तो एक तरह से ये जो दोनों जो लेक्चर हुआ है, लेक्चर वन लेक्चर टू, तो ये इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस, मतलब जो इनका परिचय है, महत्व है, इन्हीं सब में ज्यादा जो है चर्चा की गई। अब जो कंसेप्ट है मेन, जैसे रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं इस चैप्टर का नेम है, लेकिन इसका एक उपनाम भी है मोल कंसेप्ट। ये सब लोग जो है इस चैप्टर को मोल कंसेप्ट के नेम से जानते हैं। और अब हम लोग इस चैप्टर में उसी कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे इसमें कि ये मूल जो ये वर्ड है, ये मूल जो शब्द है, मूल शब्द, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। आपको मालूम है मूल का क्या अर्थ होता है? मूल का क्या अर्थ होता है आपको मालूम है? देखिए, मूल जो शब्द है, मूल जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। जैसे हिंदी इंग्लिश होता है उसी तरह से ये लैटिन वर्ड है। और इसका जो मूल शब्द का मतलब होता है हीप आर पायल, इंग्लिश में हीप आर पायल, यानी कि जिसको ढेर कहते हैं, ढेर। ढेर का मतलब होता है, जैसे लोग कहते हैं ना, अरे भाई कूड़े का ढेर लग गया, गेहूं घर में पैदा हुआ गेहूं का ढेर लग गया, चावल का ढेर लग गया, किसी मतलब कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। अगर बहुत सारी चीजों को अगर इकट्ठा कर दो तो हम कहते हैं कि ढेर उसका लग गया। इंग्लिश में इसी को हीप और पायल कहते हैं। तो इसके बारे में, मूल के बारे में एक संक्षिप्त परिचय यह है कि मूल शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द है जिसका अर्थ हिप और पायल, ढेर होता है। अब समझने की बात यह है कि फिर ये शब्द इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? इसी शब्द पे पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री क्यों खड़ी है? तो आपको पहले दिन ही परिचय में हम बताए थे कि रसायन विज्ञान अणुओं और परमाणुओं का, अणुओं एवं परमाणुओं का विज्ञान है, ये बताए थे। अब अणु और परमाणु क्या है? तो अणु और परमाणु वही सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कण है, कण पार्टिकल, टीनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े। अब परमाणु के बारे में डाल्टन का कंसेप्ट आप जानते हैं, उन्होंने कहा था कि यही सबसे छोटा है, लेकिन बाद में चूंकि डिस्कवरी हुई और पता चला कि नहीं, ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और कुछ अनस्टेबल पार्टिकल, पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो से मिलकर बना है। तो अब आपको सोचने की बात है कि जो इतने सारे पार्टिकल्स हैं, कण हैं, अणु और परमाणु हैं, तो इनकी जो संख्या है, जो कलेक्शन है, उसका भी तो एक ढेर है, उसका भी तो एक मोल है,
तो विलियम ओस्टवाल्ड ने जो पदार्थ की मात्रा है उसका एसआई जो ये जो मोल शब्द का प्रयोग केमिस्ट्री में किया, और अब तो जो पदार्थ की मात्रा का जो एसआई यूनिट है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो यूनिट जो मात्रक माना गया है वो मोल ही है। ये मोल शब्द जो है पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट है। हम लोग ग्राम में कोई मात्रा ले लेते हैं, किलोग्राम में ले लेते हैं, लेकिन पदार्थ की मात्रा का जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो मात्रक है वो मोल है। मोल तो ये जो मोल शब्द है जो इतना व्यापक है, इतना इंपॉर्टेंट है, ये कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स कणों की जो संख्या है, तो एक निश्चित संख्या को ये प्रदर्शित करता है। मोल शब्द एक निश्चित संख्या को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है तो वो निश्चित संख्या क्या है? अब बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए वन रीम। आपको नहीं मालूम होगा कि रीम क्या चीज है, लेकिन अगर किसी कागज वाला जो ये पोस्ट जो कागज जो पोस्टर जो प्रिंटिंग प्रेस है, अगर वहां जाएंगे और कहेंगे भाई हमको वन रिम दे दो, तो वो आपको 500 पीस गिन के दे देगा, या वन स्कोर ये 20 होता है, या वन डोजन किसी केले वाले के पास जाइए जो बेच रहा है, कहिए कि भैया एक दर्जन दो, तो 12 गिन के दे देगा, या चप्पल वाले के पास जाइए कहिए कि वन पेयर दे दो, तो 2 दे देगा। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं कि ये निश्चित संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसी प्रकार ये मोल भी है, ये भी एक निश्चित संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, और एक मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻²। और इसको हम Na से प्रदर्शित करते हैं, और इसको अवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं, अवोगाड्रो संख्या। ये 6.022 × 10⁻², एक मोल में इतनी संख्या होती है। आप सोचिए कि अगर 10^1 है तो 10 हो गया, 10^2 है तो 100 हो गया, 10^3 है तो 1000 हो गया, अगर 4 है तो 10000, 5 है तो 1,00,000, 6 है तो 10,00,000, 7 है तो 1 करोड़, और ये कितना है 10^23। मैंने अरबों खरबों के कितनी संख्या हो जाएगी इसमें 10^23 में, ये एक मोल में इतनी संख्या होती है। तो आप जैसे सोचिए, अगर मान लीजिए कि जो केला का ठेला है उसमें 96 केले हैं, केले के ठेले पर कितने केले? 96 केले। अब अगर पूछा जाए कि कितने दर्जन हुए, दर्जनों की संख्या बताइए, दर्जनों की संख्या, तो आप क्या करेंगे? केले की कुल संख्या, केलों की कुल संख्या बटे एक दर्जन में
केलों की संख्या। तो अब कुल संख्या 96 या एक दर्जन में 12 माने 8 दर्जन हो गया। वैसे ही अगर इसी के आधार पर देखें कि एक मोल में इतना, और देखिए अगर मान लीजिए कि वही अगर 96 चप्पल हो और कितने जोड़े हुए तो 2 से डिवाइड कर देंगे, उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए, ये दर्जनों की संख्या थी, अगर पूछा जाए कि मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को n से डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर में, तो जैसे केलों की संख्या थी वैसे ही यहां पे कणों की संख्या होगी, कणों की संख्या। अब कण का मतलब, कण में आपका जो है अणु भी आएगा, परमाणु भी आएगा, इलेक्ट्रॉन भी आएगा, प्रोटॉन भी आएगा, न्यूट्रॉन भी आएगा, कण में सब आ जाएंगे। तो जैसे केलों की संख्या था वैसे ही कणों की संख्या। एक दर्जन में केलों की संख्या, अगर आपको दर्जन निकालना है, आप मोल निकालना है, तो एक मोल में जो संख्या होती है वो क्या है, अवोगाद्रो संख्या। अब इसी को आप लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू कणों की संख्या, और अवोगाद्रो संख्या को एन ए से डिनोट करते हैं। और कणों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका एन इंटू एन ए, माने मोलों की संख्या गुणे अवोगाद्रो संख्या। अगर मोलों की संख्या में अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दिए तो ये कणों की संख्या मिल जाएगी। तो अब जैसे अगर मोल दिया है कि इतने मोल में कितने कण होंगे तो ये पता कर सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल इस पे डिस्कस करते हैं। तो न्यूमेरिकल, अब जैसे प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब पहला है 0.2 मोल सोडियम परमाणु। अब दूसरा इसी में है कि 0.45 मोल CO2 अणु। तीसरा है कि 1.2 मोल इलेक्ट्रॉन्स। और जो चौथा है ये 2.5 मोल Ca2+ आयन। तो देखिए कण क्या, कण जो है, कण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्टिकल। और ये पार्टिकल क्या क्या हो सकता है, तो परमाणु हो सकता है, परमाणु को एटम कहते हैं। उसी तरह से
अणु हो सकता है, इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। फिर आयन भी हो सकता है, आयन, या फिर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब भी कण है। कण का मतलब टीनी पीसेस, बहुत अति सूक्ष्म जो टुकड़ा है कण। तो अब यहां पे ये मोलों की संख्या दी गई है, किसकी वैल्यू दी गई है, इसमें जो मोलों की संख्या है 0.2 है, यहां मोलों की संख्या कितनी है 0.45, और यहां पर मोलों की संख्या कितनी है 1.2, और यहां मोलों की संख्या है 2.5। तो अब मोलों की संख्या पता है, अब आपको सोडियम परमाणुओं की संख्या अगर मान लीजिए कि बताना हो तो कैसे बताएंगे, ये सोडियम परमाणुओं की संख्या, तो ये n इंटू एन ए। अब n कितना है 0.2 और एन ए कितना है 6.022 × 10⁻²। मैंने मोलों की संख्या में अवगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि एक मोल में इतना, तो इतने मोल में कितना, एक रुपये में दो केला तो तीन रुपये में कितने केले, तो 3 × 6 गुणा कर दिए। तो उसी तरह से एक मोल में अगर इतनी संख्या है, तो एक मोल में अगर इतनी संख्या है तो इससे गुणा कर दिए, तो हमारी परमाणुओं की संख्या पता चल गई। उसी तरह से जैसे अगर आपको अणुओं की संख्या निकालनी है, यहां पे CO2 अणुओं की संख्या, तो ये भी n इंटू एन ए कर देंगे, तो 0.45 है और 6.022 × 10⁻²² से गुणा कर देंगे। अब ये भी जैसे मान लीजिए इतना मोल है, तो ये इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगी, ये n इंटू एन ए कर देंगे, यहां भी अगर Ca2 प्लस आयन की संख्या निकालनी है तो n इंटू एन ए कर देंगे, तो 2.5 × 6.022 × 10⁻²। तो सीधी सी बात यह है कि जो मोलों की संख्या है, अगर मोलों की संख्या आपको मालूम है, तो एक मोल में 6.022 × 10⁻²² होता है एक मोल में, और जितना मोल है उसमें गुणा कर देंगे तो उस कण की कुल संख्या पता चल जाएगी। अब मोलों की संख्या निकालते कैसे हैं, इस पे चर्चा करना है। आप देखिए, जैसे
कोई भी ये परमाणु है तो एक परमाणु का भार, अब इसका जो एक परमाणु का जो भार होगा, भार का जो मात्रक होगा तो ये आप एक होता है AMU, RU या इसी को AO ग्राम भी कहते हैं, और दूसरा होता है ग्राम। AMU का जो फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, अगर हिंदी में कहें तो परमाणु भार मात्रक। अब जैसे देखिए, मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक सोडियम परमाणु, एक सोडियम परमाणु, एक सिंगल है, एक सोडियम परमाणु का भार 23 AMU या 23U है, तो एक मोल सोडियम परमाणु का भार कितना होगा? एक मोल सोडियम परमाणु का भार, अब एक का ये तो एक मोल में संख्या कितनी होती है? एक मोल में 6.022 × 10²³ होता है। और अब यहां पे जो 1 AMU या 1U या 1 AO ग्राम होता है, ये 1/6.022 × 10²³ होता है, यानी कि 1.66 × 10²-24 ग्राम। तो ये हो जाएगा एक मोल का निकालना है, तो एक का जैसे ये 23U है एक का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ग्राम में आपको चेंज करना है तो जो यू या AMU के जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, तो ये नीचे और ऊपर ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? 23 ग्राम। यानी कि अगर 23 AMU है तो ये एक परमाणु का भार है, एक सोडियम परमाणु का भार है, लेकिन अगर यही मात्रक ग्राम में हो गया 23 ग्राम, तो ये एक मोल का मास हो गया, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 23 ग्राम पर मोल।